वीडियो में आपको भर भर के स्पॉयलर्स मिलेंगे, तो आपने रिस्क पे देखें और पिक्चर देख लिया तभी इस वीडियो का आगे देखें। जूस को पेल दिया रे बाबा, पेल दिया। थॉर लव एंड थंडर में दो क्रेडिट सीन है, एक मिड है एक एंड क्रेडिट, और जो दोनों क्रेडिट हैं वो आपस में बहुत ज्यादा ही कनेक्टेड है। एक कहानी दिखाएगी थॉर 5 में और दूसरी कहानी एक प्रोबेबल रास्ता सेट करती है हम लोगों के लिए कि जेन फोस्टर वापस आ सकती है, यानी कि हमारे माइटी थॉर का पुनः जन्म हो सकता है। वो नेक्स्ट मूवी में यानी कि थॉर 5 में वापस आ सकती है, फिर थॉर 6 में जब भी थॉर को उसकी जरूरत पड़े। ये सारी चीजें कैसे होंगी, थॉर 5 की कहानी क्या होगी, वो जूस और हरकुलस के बीच में कन्वर्सेशन क्या दर्शाती है, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी के छाती में बाती घुसाए। जीवस और हरकुलस के बेटे में जो कन्वर्सेशन होती है, जीवस के जो छाती में थंडर बोल्ट पार हो जाता है, आर पार चला जाता है, उसके बाद जो जीवस जिस तरीके से बोलता है हरकुलस को भी जाके थॉर को मार देता है कि लोगों को पता चले भगवान का गुस्सा मामूली गुस्सा नहीं है, हम भगवान है। लेकिन हमें थॉर लव एंड थंडर देख के पता चल गया कि भगवान के अंदर गुदा नहीं है, जो MCU के गॉड्स हैं वो गॉड्स नहीं है, वो सिर्फ सुपर पावर्ड बींग्स हैं जिनको लोग भगवान मानते हैं, क्योंकि वो उनकी फटती है, वो डरते हैं, वो अपने आप को मरने से डरते हैं, वो लोगों की चिंता नहीं करते हैं, वो अय्यास है। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। लेकिन कुछ गॉड्स हैं जैसे कि थॉर हमारा, वो ऐसा कुछ नहीं करता है, वो लोगों की कदर करता है, लोगों को बचाने जानता है, लोगों के उसे लोगों से लगाव है, वो लोगों की सेवा करना चाहता है, लोगों की रक्षा करना चाहता है। लेकिन ये बात ज्यूस को पसंद नहीं आती है, और ज्यूस अब अपने बेटे को भेजेगा थॉर 5 मूवी में, हरक्यूलिस उसे मारने आएगा। और हरक्यूलिस सबसे ताकतवर इंसान है जो भी पैदा हुआ है, तो उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर है, मतलब हद लेवल का ताकतवर। अगर आपने हरक्यूलिस की मूवीज देखी तो आपको पता होगा, फिर उसके बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे कोई हरा नहीं सकता। अब हमारा थॉर से कैसे हराएगा ये तो देखने की बात है। और मुझे जहां तक लगता है, कॉमिक्स मैंने नहीं पढ़ी, मैं अपने आप से जो प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, ये गौर से ज्यादा ब्रूटल होने वाला है, क्योंकि ये थॉर को चेस करेगा, थॉर को मारेगा। गौर थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर लेना चाहता था, उसे डायरेक्टली मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था अगर उसे मार दूंगा तो स्टॉर्म ब्रेकर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हरक्यूलिस को थॉर को मारना ही, और हरक्यूलिस बहुत ज्यादा ताकत है। जिस तरह से हमें दिखाया गया ज्यूस को, मतलब इतना कमजोर दिखा दिया गया, थॉर उस पर चला जाता है, वो पकड़ में उसके छाती से आर पार चला जाता है, वो बहुत, मतलब हमको जहां तक लगता है वो बहुत ज्यादा अजीब तरीके से दिखा दिया, वो ज्यूस के पावर को बहुत कम दर्शाया गया। और एक पॉइंट था थॉर में पावरफुल दिखाना, क्योंकि वो उस टाइम उसके नजर के सामने उसका दोस्त मारा गया, जिसके कारण थॉर अपने पूरे फुल पोटेंशियल में आ जाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और एंगर थॉर की पावर है। थॉर जब जब गुस्सा हुआ उसका तब तब बहुत ज्यादा ताकत आई है, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और जो लास्ट का क्रेडिट सीन था, यानी कि जेन फोस्टर वलहाला में पहुंच जाती है, तो वो सीन मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि थॉर 5 में जब हरक्यूलिस थॉर को मारने आएगा, थॉर हरक्यूलिस से बचेगा, मतलब दोनों फेस ऑफ करेंगे, लेकिन थॉर जब हारने लगेगा, जैसे गौर से हार रहा था इस मूवी में, तो वहां से बाइफ्रॉस्ट खोल के भागता है, उस तरीका से उसमें भी हरक्यूलिस जब वो हारने लगेगा, कमजोर पड़ जाएगा हरक्यूलिस के सामने, और जब वो वहां से भागने लगेगा, तब जेन फोस्टर ऑर्डिन को रिक्वेस्ट करके, ऑर्डिन को मना के बोलेगी प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उसकी रक्षा करनी, उसके साथ लड़ना, उसे बचाना, उसे मैं मरते हुए नहीं देख सकती। उसके बाद ऑर्डिन अपनी ताकत इस्तेमाल करके जेन फोस्टर को वापस भेजेंगे, वापस जिंदा करेंगे माइटी थॉर के रूप में, वो दोनों साथ में मिलकर हरक्यूलिस को हराएंगे और कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन एक चीज और हो सकती है इस पहलू में, ऐसा हो सकता है जब हरक्यूलिस थॉर को मारे तो थॉर वलहाला में ना जाए, और जेन फोस्टर ये देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाए, और वो चाहे हरक्यूलिस को मारना, ओडिन को रिक्वेस्ट करे कि प्लीज मुझे माइटी थॉर बना दो, मैं बदला लेना चाहती हूँ और मैं हरक्यूलिस को मारना चाहती हूँ, तो जेन फोस्टर को छोड़े। लेकिन ये एकदम सबसे बेकार सी थ्योरी मुझे भी लग रही है, आपको इस थ्योरी पे क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी जिस तरीके से ज्यूस का हाल कर दिया थॉर ने, वो बहुत ज्यादा सुपर था, और मूवी बहुत ज्यादा कॉमेडी वाले टोन को लेकर पकड़ के चलती है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। अगर आपने मूवी देख लिया तो आप भी इस चीज पे एक बार जरूर कॉमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे इस पॉइंट से बहुत ज्यादा नाखुश हूँ कि इतना ज्यादा कॉमेडी चीज क्यों जोड़ा गया पिक्चर, क्योंकि एक कॉमेडी मूवी नहीं होने वाली थी। जिस तरह से इसका टेक अगर बढ़ाया जाता तो मार्वल की ये सबसे बेहतरीन मूवी हो सकती थी। लेकिन पर्सनली मुझे कोई खास पसंद नहीं आई, मुझे थॉर की सारी मूवीज पसंद है, रैग्नारॉक मुझे पसंद है, मतलब वो इससे ज्यादा पसंद है, थॉर की सब मूवीज अच्छा मुझे रैग्नारॉक लगती है। लेकिन रैग्नारॉक में लगभग 50-50 बैलेंस आउट है, एक्शन भी, डायलॉग्स भी, कॉमेडी भी, इसमें बैलेंसिंग नहीं है मूवी में। आपको कॉमेडी वाले सीन्स बहुत ज्यादा दिखते हैं, हर जगह आपको कॉमेडी घुसा दिया जाता है, यानी इसका टोन खत्म हो गया। लेकिन नेक्स्ट मूवी में थॉर 5 में मुझे लगता है ये बड़े टेक ले सकते हैं, क्योंकि हरक्यूलिस को बुलाया गया है गौर के पास, चलो नेक्रोसॉर्ट, लेकिन हरक्यूलिस खुद में ही बहुत ज्यादा ताकतवर है, गॉड है, भगवान का बेटा है, थॉर से ज्यादा ताकतवर भी है, तो वो दोनों का जब टक्कर होगा तो वो देखने में मजा आएगा। और हरक्यूलिस पर्टिकुलरली इसे ही मारना चाहता है, क्योंकि उसके पहली बात तो उसने उसके बाप को चोट पहुंची, दूसरी बात उन्हें साबित करना है कि वो भगवान है और तुम सिर्फ सुपर पावर बींग हो। थॉर जैसे जो लोग हैं वो सिर्फ सुपर पावर है, लेकिन जो भगवान है वो सबसे सर्वशक्तिमान है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और वो उसे प्रूव करना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि थॉर
मर सकता है, अगर तुम मुझे नहीं पूछोगे मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। ये दर्शाना चाहेगा ज्यूस, जिसके कारण वो हरक्यूलस को भेजा है। और ज्यूस की तो हालत खराब, उसका तो मतलब पता नहीं कैसे जिंदा बचा, और फेफड़ा था मुझे भगवान है जाने उसका फेफड़ा उसका इधर का बजाय नीचे होगा पता नहीं। बाकी आपको ये दोनों कहानी में क्या कहना है, दोनों कहानी आपको कैसी लगी, जो स्टोरी प्रिडिक्शन मैं कर रहा हूँ थॉर 5 को लेके वो कितनी सही हो सकती है कितनी गलत हो सकती है, आप भी अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आपको मूवी कैसी लगी वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके भी क्या ओपिनियन मेरे जैसे हैं कि आपके कुछ अलग हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके ओपिनियन में कुछ और चेंजमेंट है, वो कुछ ज्यादा कोई चीज़ बहुत ज्यादा अच्छी लगी या फिर खराब लगी वो जरूर कमेंट कीजिएगा। और थॉर 1100 पे एक डिटेल वीडियो आएगी फिल्म के अंदर क्या हुआ क्या क्या चीजें थी उसके ऊपर, ये तो जस्ट स्टोरी प्रिडिक्शन थॉर 5 के लिए और एंडिंग एक्सेंट ऑफ पोस्ट क्रेडिट। तो बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। और मूवी के आने के पहले मैंने एक एक्सपेक्टेशन वीडियो दिया था, वो मेरा एक्सपेक्टेशन एकदम सही निकला मूवी को लेके, आप ये वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।